दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहद रोमांचक फिल्म कुर्बान, जो कि टेररिज्म पर बेस्ड थी, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरते हुए लाखों करोड़ों लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय के किरदार को भी काफी पसंद किया गया था, जिन्होंने फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया था। फिल्म की कहानी तो इंटरेस्टिंग थी ही, साथ ही फिल्म के गाने भी कुछ कम नहीं थे, और फिल्म की इसी खासियत की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसके चलते दर्शक इस फिल्म के सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी इस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म के डायरेक्टर एक बार फिर फिल्म कुर्बान के सेकंड पार्ट को बनाने वाले हैं। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म कुर्बान 2 के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, कहानी क्या होगी फिल्म की और ये फिल्म कब तक आएगी। तो अगर आप भी फिल्म से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस सुपर हिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2009 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई फिल्म कुर्बान एक रोमांचक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जो फिल्म डायरेक्टर रेंजिल डी सिल्वा के डायरेक्शन में बनी थी। ये फिल्म अवंतिका आहूजा बनी करीना कपूर खान और खालिद बने सैफ अली खान की जीवन रेखा पर आधारित थी, जिनके निजी जीवन में रियाज मंसूरी बने विवेक ओबेरॉय की एंट्री होती है और तभी शुरू होती है फिल्म में एक्शन की बौछार, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर और विवेक ओबेरॉय के साथ फिल्म की अदर कास्ट भी दमदार अदाकारी को लेकर खूब सराहा गया था और इसी के चलते फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए दर्शक आज भी इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आपका इंतजार यहीं खत्म होता है। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर रेंजिल डी सिल्वा एक बार फिर इस फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है और फिल्म पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही फिल्म में रोमांस का भी डबल डोज प्रेजेंट किया जाएगा, जो आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देगा। इस बार भी ये फिल्म टेररिज्म पर बेस्ड होने वाली है। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस बार फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर नहीं बल्कि इनकी बेटी सारा अली खान अभिनय करती हुई नजर आएंगी, जिन्हें फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। ये फिल्म में इनका साथ देंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन, जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन और सारा अली खान का रोमांस दिखाया जाएगा। वहीं फिल्म के विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में अभिनेता आदित्य पंचोली नकारात्मक भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि फिल्म में बेहद धाकड़ किरदार में नजर आएंगे। अभी तक इनमें से किसी ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी नहीं भरी है, जिसे देखकर लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म में अभिनेत्री सारा अली खान और ऋतिक रोशन की लव केमिस्ट्री को देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।